सुप्रभात बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत विषय से प्रथम पाठ मंगलाचरणम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मंगलाचरणम इस शीर्षक का अर्थ है कि भगवान से मंगल कामना करना, भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे सारे कार्य निर्विघ्नपूर्वक संपन्न हो। तो आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सद्बुद्धि दें और हमारा मार्गदर्शन करें। अब आइए बच्चों, पाठ का अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विदधनम्। बच्चों, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है कि इदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विदधनम्। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। यह दिखाई देने वाले सब पदार्थ और जो कुछ भी तीनों लोकों में विद्यमान है वे सब ईश्वर में बसने योग्य है, अर्थात आप उसे कह सकते हैं कि उसमें ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। इस भावनामय त्याग से ही जीवों को इन पदार्थों को भोगना चाहिए। इन वस्तुओं पर लालच मत करो। तुम विचार करके देखो यह किसका धन है, अर्थात सब पदार्थ ईश्वर के ही हैं, अर्थात इसका त्याग पूर्वक उपभोग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। ओम अग्ने नय सुपथाराए अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्ये स्मरज्जुहुराणां मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधिम। बच्चों, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है कि अग्ने अस्मान राये सुपथानय देव विश्वानि देव वयुनानि विद्वान अस्मत् जुहुराणम एनह युयोधि ते भूयिष्ठां नमः उक्तिम विधिम। बच्चों, आइए अब इसके श्लोकार्थ को देखते हैं। इसमें अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, हमें ऐश्वर्य के लिए अच्छे मार्ग से ले चलें। हे प्रकाश रूप देव, आप हमारे सब कर्मों को जानते हैं, इस कारण हमसे कुटिल पाप दूर कर आप हमें पवित्र करें। हम आपके उपासक आपको बार बार नमस्कार वचन समर्पण करते हैं। बच्चों, आइए अब तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। ओम भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम देवा भद्रम पश्येयम अक्षि भी यजत्रा स्थिरंगैस तुष्टु वासांस तनु भी वशे महि देवहितम यदायुः। बच्चों, इस श्लोक का अन्वय इस तरह से है कि देवा कर्णे भी भद्रम श्रुणुयाम यजत्रा अक्षि भी भद्रम पश्येयम स्थिरय अंगय तनु भी तुष्टुवास देवहितम यत आयुः वसे महि। और इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि हे देव, हम सब अपने कानों से भद्र अर्थात मंगल शब्द सुने, हम यज्ञ पूजन करने वाले भक्त आँखों से भद्र अर्थात सुंदर रूप देखें। हे देव, स्थिर अंगों एवं स्वस्थ शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए जो हितकर आयु है उसको हम सब पाएं। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया, अब आपको इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है। आपको सभी श्लोक याद करने हैं और श्लोक संख्या 1 और 3 अपनी कॉपी में अर्थ सहित लिखना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।